आदत बदलने से ग्रह भी अच्छे फल दे सकते हैं। देखिए, मंदिर को साफ करते हैं तो बृहस्पति बहुत अच्छे फल देता है, और अपनी जूठी थाली या बर्तन को उसी जगह पर छोड़ना सफलता में कमी आती है। जूठे बर्तन को उठाकर जगह पर रखते हैं या साफ कर लेते हैं तो चंद्रमा शनि ग्रह ठीक होते हैं, और देर रात तक जगने से चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता। कोई भी बाहर से आए उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं, इससे राहु ग्रह ठीक होता है और राहु का प्रभाव ठीक होता है। रसोई को गंदा रखते हैं तो आपको मंगल ग्रह से दिक्कतें आएंगी, इसलिए रसोई हमेशा साफ सुथरी रखेंगे तो मंगल ग्रह ठीक होता है। और घर में सुबह उठकर पौधों को पानी दिया जाता है तो हम बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा मजबूत करते हैं। जो लोग पैर घसीट कर चलते हैं उनका राहु खराब होता है। बाथरूम में कपड़े इधर उधर फेंकते हैं, बाथरूम में पानी बिखरा कर आ जाते हैं तो चंद्रमा अच्छे फल नहीं देता। बाहर से आकर अपने चप्पल, जूते, मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें शत्रु परेशान करते हैं। राहु और शनि ठीक फल नहीं देते हैं। और जब बिस्तर हम हमेशा फैला कर रखते हैं, सलवटें होंगी, चादर कहीं, तकिया कहीं, तो राहु और शनि ठीक फल नहीं देते हैं। चीख कर बोलने से शनि खराब होता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है तथा गुरु ग्रह अच्छा होता है। अपशब्द बोलने से, गालियां देने से गुरु और बुध ग्रह खराब होते हैं। यदि आप भी गालियां देने के शौकीन हैं तो बुढ़ापे में बिस्तर पकड़ने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद दोस्तों।